रही है उससे मैं आप सबको सूचित कराना चाहती हूँ। तो मेवात में अब तक जो घटना के दो दिन बाद तक करीब 200 अरेस्ट हो चुके हैं। इसमें 17 से 18 पैरामिलिट्री की टुकड़ी जा चुकी है, उनमें हरियाणा पुलिस की अराउंड 12 कंपनी लगी हुई है। जो अरेस्टिंग हो रही है वो एसटीएफ की तरफ से हो रही है, जो ये केस पूरा देख रहा है वो हरियाणा पुलिस की जो स्पेशल टास्क फोर्स है वो देख रही है। ठीक है, तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे वो एक अरेस्ट होगा। ठीक है, और पूरी हमारी पुलिस की जो मुश्तैदी है वो बनी हुई है, और जितना भी हम उसमें जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हम ले सकते हैं उतना लिया जाता है। ठीक है, ये आप अपने वहाँ पे मुंडू में जितने भी आपके कार्यकर्ता मौजूद हैं उनसे भी आप वेरीफाई करवा लिए, 200 लोग अब तक उसमें अरेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये अब तक की कार्रवाई वहाँ पे जो है। साथ ही आप ये भी जानते होंगे कि फरीदाबाद पुलिस का जो रिस्पॉन्स रहा है उस दिन का, ये सीपी सर खुद गए थे कंपनीज को लेके, एचएचओज को लेके खुद गए थे वहाँ पे। मंदिर से जो इवैक्यूएशन हुआ है अराउंड 6,000-7,000 लोगों का, वो सीपी सर ने खुद करवाया है, बसें लगा के और बसों से वहाँ पे पहुँचाया है, पुलिस लाइन में श्रद्धालुओं को पहुँचाया है। तो आई थिंक आप सभी लोग इस बात से वाकिफ होंगे। तो जो फरीदाबाद पुलिस का जो स्विफ्ट एक्शन रहा है वो आप सब जानते होंगे, वो आप सबकी नॉलेज में होगा, आप लोग हमसे बेटर जानते हो क्योंकि आपके कार्यकर्ता वहीं मौके पर मौजूद थे जिनको सीपी सर ने बाहर निकाला है। तो बेसिकली ये है कि हमारा हमेशा जब भी हमें जैसे भी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारा एकदम फास्ट और स्विफ्ट एक्शन होता है, और ये बात जब उस दिन तक ये हो रहे थे उस दिन की भी है, और ये अभी भी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है अभी की भी है। आप लोगों ने देखा कि कई जब आप लोग हमारी जिम्मेवारी निश्चित कर रहे हैं तो हम लोग भी आपको ये जिम्मेवारी देना चाहते हैं कि सोसाइटी के मौजूद व्यक्ति होने के नियम के पद्धति से आप लोगों का ये बिल्कुल वो बनता है कि अभी एट प्रेजेंट आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, सबको गुस्सा आ रहा है। ठीक है, ये दोनों पक्षों को आ रहा है, हमें भी आ रहा है, सबको आ रहा है, बट हमारा एज मौजूद व्यक्ति ये काम है कि आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स को साइड में रखें, और जो सोसाइटी हमसे डिमांड कर रही है एट प्रेजेंट, हमसे वो डिमांड कर रही है कि हम संयम बना के रखें, बाकी लोगों को समझाएं और ऐसी कुछ भी स्थिति ना होने दें। हम जैसे इंटरनेट बंद है तो उसके रीजन हमने बताया, बट उसका मतलब हर्षा किसको भुगतना पड़ रहा है? जो पेटीएम यूजर्स थे, जो शॉपकीपर्स थे, जो आपके बच्चे हैं, वो तो पूरी सोसाइटी भर रही है ना। जितना ज़्यादा ही एक्सटेंड होगा उतना ज़्यादा उनको हर्जाना होगा। तो बेसिकली ये टू वे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटिंग है कि मैं आपको जब ये आश्वासन दे रही हूँ फरीदाबाद पुलिस की तरफ से कि हम मौजूद रहेंगे और हम कुछ भी नहीं होने देंगे, और ये मैं सभी समुदाय के लोगों को कह रही हूँ कि किसी भी पक्ष के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है, हम लोग रहेंगे पूरा मौजूद। तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आप लोगों पे भी डाल रही हूँ कि आप हमें वॉलंटियर्स दीजिए, दोनों पक्ष हमें वॉलंटियर्स दीजिए, जो मौके पे जाएंगे, जो स्थिति को डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, जो पुलिस और प्रशासन का साथ देंगे। तो ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग बेसिकली उसके लिए है कि एक तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और फिर आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझें। इसके अलावा कुछ आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप पूछिए।